फसलों में कीट एवं रोग नियंत्रण में रासायनिक कीटनाशकों का महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इनके दुष्प्रभावों से बचने के लिए IPM पद्धति से कीट एवं रोग प्रबंधन में कीटनाशकों का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में आवश्यकता अनुसार किया जाता है। यह अति आवश्यक है कि कीटनाशकों का सही मात्रा में सही समय पर केवल प्रकोपित फसल पर ही विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। एक समय में एक से अधिक रासायनिक कीटनाशकों को एक साथ स्प्रे टैंक में मिश्रित करना तथा रासायनिक कीटनाशकों को नग्न हाथों से स्प्रेयर टैंक में घोलना पूर्णतया खतरनाक है। यह जानलेवा भी हो सकता है। रासायनिक कीटनाशकों का फसल पर छिड़काव करने से पहले पूरे शरीर को कपड़े एवं टोपी से ढक लेना चाहिए तथा हाथों में दस्ताने पहनकर ही छिड़काव करना सही एवं सुरक्षित तरीका है। रासायनिक कीटनाशकों का अविवेकपूर्ण एवं तेज हवा के समय छिड़काव अच्छी तरह से लक्षित फसल पर नहीं हो पाता तथा साथ ही वातावरण भी प्रदूषित हो जाता है। इसके साथ ही जहरीले कीटनाशकों के कण हवा में घुलकर छिड़काव करने वाले व्यक्ति के शरीर में सांस के द्वारा चले जाते हैं तथा स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डालते हैं। अतः हमें विवेकपूर्ण तरीके से किया गया रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव मानव शरीर के लिए अत्यंत घातक सिद्ध हो रहा है। कैंसर, मधुमेह, बच्चों में जन्मजात विकृतियां, बांझपन, हार्मोन असंतुलन जैसे कुछ बीमारियां इनके अंधाधुंध प्रयोग के कारण हो रही है। इसलिए रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करते समय सुरक्षा निर्देशों का पालन करना अति आवश्यक है। जैसे कीटनाशकों का प्रयोग करते समय सुरक्षा के साधनों जैसे मास्क, टोपी, चश्मे, दस्ताने आदि का प्रयोग करें। छिड़काव हवा की दिशा में ही करें व अपने आप को छिड़काव से सुरक्षित रखें। कीटनाशकों को बच्चों एवं पशुओं की पहुंच से दूर ताला बंद रखें। विश्व से प्रभावित होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। इस्तेमाल के बाद लिखित हिदायतों के अनुसार कीटनाशक पात्र को नष्ट करें।